हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सरसाइज 6.3, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फॉलोइंग नंबर्स के जो स्क्वायर रूट्स होंगे उनके पॉसिबल वंस डिजिट वो क्या होंगे। तो मैंने तुम्हें बताया पॉसिबल डिजिट्स, पॉसिबल वंस डिजिट्स ऑफ एनी स्क्वायर रूट, ऑफ एनी स्क्वायर रूट वो क्या क्या होती है भाई। जीरो हो सकती है, वन हो सकता है, डिजिट है ना, कंजुगेट डिजिट वन हो सकती है, और टू नहीं होती है, थ्री भी नहीं होती है, क्या हो सकती है, फोर, फोर यूनिट डिजिट, फोर, हाँ बिल्कुल फोर हो सकती है, और क्या हो सकता है, स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट फाइव हो सकता है, सिक्स हो सकता है, सेवन स्क्वायर रूट का। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हाँ स्क्वायर रूट का भाई, वो स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट तो बस जीरो नंबर कुछ भी हो सकती है, क्योंकि स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट कुछ भी हो सकती है। अगर मैं बात करता हूँ स्क्वायर की, तो स्क्वायर की यूनिट डिजिट जो है वो पर्टिकुलर होती है ना, जैसे वन जीरो वन फोर फाइव सिक्स, सिक्स के बाद फिर तुम्हारा क्या आता है, नाइन आता है डायरेक्ट, है ना, और सेवन और एट नहीं आता है। वो स्क्वायर्स में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ एनी स्क्वायर रूट ये बात नहीं, यहाँ पर नहीं करनी है, बात करनी है इन पर्टिकुलर क्वेश्चन की। तो यूनिट डिजिट वन कब कब हो सकती है, यूनिट डिजिट भाई ये है, इसका स्क्वायर रूट अगर मैं फाइंड करूंगा, तो अगर मैं नाइन का स्क्वायर करता हूँ तो 81 आता है ना, और 1 का स्क्वायर करता हूं तो 1 आता है। तो इसका यूनिट डिजिट 9 भी हो सकता है, इसका यूनिट डिजिट 1 भी हो सकता है, क्योंकि इसके स्क्वायर पे 1 आ रहा है और इसके स्क्वायर पे भी 1 आ रहा है। तो पॉसिबल यूनिट डिजिट पार्ट 1 का पॉसिबल यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, वो 9 और 1। पॉसिबल वंस डिजिट, वंस डिजिट ऑफ 9801 इक्वल टू 9.19 हो जाएगा, ठीक है ना। बात करता हूँ इसकी 99856 की, तो इसकी पॉसिबल डिजिट भाई अगर मैं 4 का स्क्वायर करूँ तो 16 आता है, 4 का स्क्वायर करूँ यानी कि 16 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 4 आता है, और अगर मैं 6 का स्क्वायर करता हूँ तो 36 आता है। तो मेरी यूनिट डिजिट क्या मिलती है, 6 ही मिलती है, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 6 है। तो इसका जब मैं स्क्वायर रूट फाइंड करता हूँ तो उसका लास्ट डिजिट 4 भी हो सकता है, उसका लास्ट डिजिट क्या हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। और जब इसकी बात आ जाती है ना, तो इसका यूनिट डिजिट 9 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, और 6 5 7 6 6 6 0 2 5 इसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, इसका यूनिट डिजिट तो 5 ही होगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर रूट जो करते हैं, 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 मिलता है, 25 क्या होता है, 25 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 5 ही होता है। तो इसके पॉसिबल यूनिट डिजिट्स है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आता है, तो यूनिट डिजिट आ रहा है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 4 का 16 बिल्कुल 6 आ रहा, 6 का 736, हमें यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। अब विदाउट एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर व्हिच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, ठीक है ना। तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, परफेक्ट स्क्वायर है ना, परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं जिनके लास्ट में लास्ट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, लास्ट यूनिट डिजिट्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स क्या क्या होती है भाई, वो 0 1 2 तो होती नहीं है, है ना, 2 नहीं आती है, 0 1 4, 4 के बाद 5 6 9 ये आती है। अगर लास्ट डिजिट, लास्ट यूनिट डिजिट ये है तो परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं तो नहीं है। रीजन क्या लिखना है, लास्ट यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, यूनिट जैसे क्वेश्चन नंबर हम इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, यूनिट डिजिट इज 3, सो इट इज नॉट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं, क्योंकि लास्ट में 8 आ रहा, हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, ये बहुत बना रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, थर्ड पार्ट करो।
Find the square root of 100 and 169 by the method of repeated subtraction. तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर मैंने जब odd numbers है ना, natural odd numbers को हम plus करते थे, अगर मैं 5 odd number plus करता था, 5 odd number है ना, तो मुझे क्या मिलता था भाई, 25 मिलता था, 25 मिलता था, बिल्कुल नहीं मिलता था, क्योंकि मैंने कितने odd number plus करे हैं, 5 odd numbers. अगर मैं इसमें से जैसे ये है तो मैं odd number subtract करूँ, क्या subtract करूँगा, odd numbers, और जब तक मेरा जीरो नहीं आता है मैं तब तक सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है ना. 100 में से पहले मैंने क्या माइनस करा, 99, फिर 99 में से मैं क्या माइनस करूंगा, 3. ये ओड नंबर्स माइनस करूंगा, ओनली ओड नंबर्स. इसका कांसेप्ट क्या है, ओनली ओड नंबर्स, ये इसका कांसेप्ट, ठीक है. जब तक जीरो नहीं आता है, और जीरो एक ना एक बार जरूर आएगा, ठीक है ना. जीरो एक चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो, कैसे भी नंबर हो, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो जीरो मुझे जरूर मिलेगा, ठीक है. कितना आता है बताओ भी, 96 आया. अब 96 में से क्या माइनस करूंगा, मैं 5 माइनस करूंगा, कितना आया, 91. 91 में से क्या माइनस करूंगा, 7. कितना आया, 7 माइनस करता हूं तो 84, बिल्कुल. 84 में से मुझे क्या माइनस करना है, 84 में से मुझे माइनस करना है 9. माइनस करने पर मुझे क्या मिलेगा, 75. 75 में से मुझे क्या माइनस करना है, 11. क्या मिलेगा, 4, 64, ठीक है ना. 64 में से मुझे क्या माइनस करना है, 13. कितना मिला, 151. 51 में से मुझे क्या माइनस करना है, 15. कितना आया, देख लो, चेक कर लेना, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, है ना, फिर 17, 19, इस टाइप से. कितना बचा, 6, और यहाँ कितना रह गया, 4 में से 1 माइनस करा, 3. 36 में से मुझे क्या माइनस करना है, 17. कितना बचा, 9, और यहाँ क्या बचा, 1. 19 ही बचा क्या, ठीक है. अब 19 में से क्या माइनस करना, 19. जब तक जीरो नहीं आता है, काउंट करो कितने स्टेप हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सिंस देयर इज 10 successive subtractions जीरो आने तक, है ना. सो स्क्वायर रूट ऑफ 100 इक्वल टू, काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Similarly, you can find the square root of 169 by the method of repeated subtraction. तो मैं क्या माइनस करना, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, odd numbers माइनस करने. क्लियर है, ठीक है. तो ये होमवर्क में दे देता हूँ मैं, 169 का आपको सेल्फ फाइंड करना है, और क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ओके.